हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनीज अबाब किचन। फ्रेंड्स, आज हम लोग आम पन्ना बनाने वाले हैं, यानी कच्चे आम का शरबत, जो गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद है। आइए हम लोग भी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कच्चा आम लिया, इसकी स्किन को पील किया, सीड को रिमूव किया, उसके बाद इसके छोटे छोटे पीसेस किए, और पीसेस करने के बाद इसको मैंने गर्म पानी में बॉयल किया। बॉयल करने के बाद मैंने ठंडा किया, ठंडा करके ये कुछ इस तरह से हो गया है। अब इसको मैं मिक्सर जार में शामिल करूंगी। इसके बाद मैं शुगर शामिल करूंगी। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बोल शुगर शामिल कर रही हूँ। इसके बाद 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल करूँगी। इसके बाद 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट शामिल करूँगी। इसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर शामिल करूंगी। अब रोस्टेड क्यूमिन पाउडर शामिल करूंगी 1 टीस्पून, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेमन जूस शामिल करूंगी। अब सबको मिक्स करके ग्राइंड करेंगे। अब आप देख सकते हैं मेरा कितने फाइन प्यूरी तैयार हुई है। इसको छानना चाहिए इस वक्त, लेकिन मैं छानूंगी नहीं, क्योंकि मेरी बहुत ही फाइन प्यूरी है। अब मैं इसको डायरेक्ट आम पन्ना बनाऊंगी। आम पन्ना बनाने से पहले मैंने पहले गिलास को गार्निश करेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ पुदीने पत्ते क्रश करके डालेंगे। मैंने डायरेक्ट उसको पीसा नहीं था, ये इस तरह से पत्ते इसमें अच्छे लगते हैं, अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अब मैं पूरी को इसमें शामिल करूँगी। मेरी बहुत अच्छी फाइन पूरी तैयार हुई है। अब मैं पन्ना बनाने से पहले गिलास को मैं डेकोरेट करूंगी। तो मैंने एक गिलास लिया, उसके एजेस पे लेमन लगाया। इसके बाद सॉल्ट में डिप कर दिया। इसी तरह से दूसरा गिलास लेंगे, उसके एज पर लेमन लगाऊंगे। और उसको रेड चिली पाउडर पर डिप करूंगी। अब मेरा तीसरा गिलास है, इस पर भी मैं लेमन लगाऊंगी। अब इसको मैं रोस्टेड क्यूमिन पाउडर में डबाऊंगी। इस तरह से मेरे तीनों गिलास कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें मैं आम पन्ना बनाऊंगी। अब मैं आम पन्ना गिलास में बना रही हूँ। पहले 2-3 स्पून
प्यूरी शामिल करेंगे। इसके बाद आइस क्यूब्स शामिल करेंगे। आइस इसमें बहुत ज़्यादा डालनी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा और ठंडा होता है। अब इसके बाद चिल्ड वाटर डालूंगी। अब यहाँ पर लीप से गार्निश करूंगी। इसी तरह से मैं सारे गिलास तैयार करूंगी। मेरा ये ठंडा ठंडा हेल्दी और यम्मी इंस्टेंट एनर्जी वाला आम पन्ना तैयार है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।